श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जी सुनिया मिठड़ी गाल, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। राज्य से प्रार्थना की, आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। आप इतना कर दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं और आपकी बात सुन सकूं। अब कह रहे हैं, कीड़ा बन जा के चुआ बियो को न दिखारे हंद। केड़ा बन जा, कहाँ जाऊँ, के चुहा किस किस को कहूँ, बियो दूसरा को न दिखारे हंद। को मतलब कोई भी, न दिखारे नहीं दिखाया, हंद ठिकाना, अपने अपने अतिरिक्त दूसरा कोई ठिकाना दिखाया ही नहीं है, इसलिए मैं किस किस को कहूँ, कहाँ जाऊँ। तू बैठो मुँह भर में, आऊँ केड़ा बन जा करे पंद। तू बैठो मुंह भर में, तो आप बैठे हैं मुंह भर में मेरे निकट, भर का अर्थ निकट, तो मेरे निकट बैठे हुए। आऊं केड़ा बन जा करे पंध, तो आऊं मैं केड़ा बन जा, कहाँ जाऊं, करे पंध। पंध बोलते हैं रास्ता, मार्ग, तो कौन से मार्ग लेकर के कहाँ जाऊं, किस रास्ते से जाऊं और कहाँ जाऊं, तो ये मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बट बैठा ना सुनो न कि नारियो निड़न। बट बैठा, बट पास में निकट, बट बैठा ना सुनो, आप मेरे निकट बैठे हैं और फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे। न कि नारियो निड़न, न ही आप अपनी आँखों से देखते हैं, आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं और मेरे ऊपर दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं, ये अर्थ समझना। न पूजी सगा पांध के, न की सुनिया कानन। न पूजी सगा पांध के, पांध दामन, कोई भी पल्लू हो ऐसे ना, तो दामन, तो आपके वस्त्रों तक भी मैं नहीं पहुंच पा रही, न पूजी सगा, नहीं पहुंच सकती। न की सुनिया कानन, नहीं आप निकट हैं, ऐसी बातें मुझे कान से भी सुनाई, कई बार कान से भी पता चलता है, आँख से नहीं दिखता हो ना, तो कान से भी पता नहीं चल रहा है, नहीं सुन पा रही हूँ। मुंजा पूजे न हथ अंगड़ा, तरा किया करे। मुंजा मेरे पूंजे न हथ अंगड़ा, ये क्या कह रहे हैं, आपके अंगों तक मेरे हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। तरा किया करे, तो आप न तो आप दिखाई दे रहे हैं बैठे हैं निकट, न आप दिखाई दे रहे हैं, न आप बैठे हैं, ऐसा मैं कानों से सुन पा रही हूँ, कान से भी अंदाज आता है, तो थोड़ा बहुत भी हलचल होता हो तो कानों से भी पता चलता है, और नहीं हाथ इधर उधर फिरने से कि आपका स्पर्श होता हो, मैं तो ऐसे बैठी हूँ, उठ भी नहीं सकती और हाथ लंबाने पर भी आप तक नहीं पहुँचते, तो मैं कैसे रहूं। कोठाई एक आगर मुकी करे, की बेहा धीरज धरे। कोठाइए बुलाया, बुलाते हैं आप, कागर मुकी करे, कागर को भेज करके, मतलब अपना संदेश भेज करके आपने बुलाया भी, तुम जागो, आओ मेरे पास में। की बेहा धीरज धरे, कैसे बैठूं, की बेहा कैसे बैठूं, धीरज धरे, धीरज धारण करके, मैं धीरज धारण करके कैसे बैठूं।
पेरो पाणे जानी हिन के हाणे करिए हलण जी वेर। पेरो का अर्थ पहले, पाणे अपने ही, जानी हिन के, तो ये अब यहाँ क्या है कि इस अर्थ में है, पहले पाणे आपके द्वारा ही जानी हिन के, इनको जाना, तो इनको कहने का तात्पर्य ब्रह्मात्माओं की ओर संकेत कर रहे हैं। आपके द्वारा ही हमें पता चला ये ब्रह्मात्मा अपने धाम की है। हाणे करिए हलण जी बेरा, अब तो हाणे अब करिए करते हैं, हलण जी बेरा, हलण की, हलण चलने की, बेर मतलब विलंब। अब चलने के लिए सब ब्रह्मात्माएं जागृत नहीं हुई है तो विलंब कर रही है, तो पहले आपने इनका परिचय करवाया, अब ये चलने के लिए विलंब कर रहे हैं। पुकारिंदे न देव पशण पाइन जा पेर, पुकारिंदे पुकार करने पर भी न देव नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं, पशण पाइन जा पेर, पाइन जा पेर पशण, आपके चरण कमल के दर्शन, तो आपके चरण कमल के दर्शन भी नहीं देते हैं आप, तो इतना पुकार कर रहे हैं फिर भी आप अपने चरणों के दर्शन नहीं करवा रहे हैं, तो हम कहाँ हैं, कितने दूर हैं, किस प्रकार से, हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो अब आगे कह रहे हैं, गाल निपट आए थोरड़ी हेड़ी भारी को के ये, गाल निपट मतलब निश्चित ही, थोरड़ी आए मतलब थोड़ी ही है, बात तो वैसे बहुत थोड़ी सी है, हेड़ी भारी को के ये, हेड़ी इसको ऐसी, भेड़ी का मतलब ऐसी, भारी को कही है, इसको भारी क्यों बनाया, मतलब बड़ी बात तो बहुत छोटी सी है, दर्शन ही तो देना है, आपने इसको इतनी बड़ी क्यों बना रखी है, ऐसा कह रहे। सबने गाले समरथ पण दिल घुंडी के ही रखिए, सबने गाले समरथ, आप तो सब प्रकार से सब बातों में समर्थ हैं, सब बातों में कहने का तात्पर्य सब कार्य में आप समर्थ हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, पण दिल गुंडी घुंडी के ही रखिए, किंतु दिल में घुंडी का तात्पर्य कुछ न कुछ गांठ, दिल में एक प्रकार से किसी के प्रति भी थोड़ी सी उसमें अन बनाव जैसा हो न मन में, तो दिल में गांठ रखिए, तो उस प्रकार से वो घुंडी के ही रखिए, क्यों रखते हैं आपने, तो अपने दिल में ऐसे हमें दर्शन ना देने का क्यों ठान रखा है, ये कहना चाह रहे। आई दुखो जा दिल में जड़े चुआ घुंडी जो वेण, आई दुखो जा दिल में, आई का तात्पर्य आप, दुखो जा दुखी होते होंगे दिल में, आपको दिल में दुख लगता होगा, जड़े जब चुआ घुंडी जो बेणा, जब घुंडी की बात करती हूँ, दिल में गांठ की बात करती हूँ, तो आपको जरा बुरा लगता होगा, ऐसा कह रहे। पण की करिया की चुआ मुँह अडा नारियो ना खणी नेण, पण की करिया क्या करूँ, की चुआ क्या कहूँ, क्या करूँ और क्या कहूँ, मुँह अड्डा नारियो ना खणी नैण, मुँह अड्डा मेरी ओर नारियो ना, देखते नहीं हो, खणी नैण आँख उठाकर, तो उसमें कच्छी में भी ना खड़ो खड़ो बोलते हैं, उठाओ उठाओ, तो इस तरह से, तो ये दृष्टि उठा कर के आप अपने दृष्टि उठाकर मेरी ओर देखते भी तो नहीं हो और मेरी बात भी नहीं सुनते हैं, तो मैं क्या कहूँ क्या करूँ। जा पर चौ सा करिए, जा पर चौ सा करिया तू पाण कराइए थो, जा पर चौ जिस प्रकार आप कहो कहें सा करिया वही करते हैं, वही कर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही कर मैं करती हूँ, तू पाण कराइए थो, वैसे तो मैं क्या कर सकती हूँ, तू पाण स्वयं, आप स्वयं कराइए थे, आप ही करवा रहे हैं मुझसे, तो मेरे में तो कोई क्षमता है ही नहीं, जो भी करवाते हैं तो आप ही करवाते हैं।
हे पण तुही चाहिए ये भी आप ही बुलवा रहे हैं। मुँह मथे की अचे डो, तो मुँह मथे मेरे सिर पर की अचे डो, दोष कैसे आता है? तो सब कुछ आप करवा रहे हैं तो मेरे सिर पर दोष कैसे आएगा? हेड़ी रांध दिखा रही मैं वर कोड़ी लख हजार, हेड़ी रांध दिखा रही, हेड़ी ऐसी रांध खेल दिखा रही, मतलब दिखाया, तो आपने ऐसा खेल दिखाया, तो ये सिंधी में रांध स्त्रीलिंग में होगा इसलिए हेड़ी ऐसा कहा, तो ऐसे अब हिंदी में तो खेल अथवा नाटक उपलिंग में होगा, तो ऐसा नाटक दिखाया। मैं बर कोड़ी लख हजार, तो मैं मतलब बीच में वर, तो ये वर वर्षन वरा वड़ाक बोलते हैं, तो उसमें से आगे वराका आता है, तो उसके लिए ये वर है, वराका वड़ाक टेढ़ा मेढ़ापन। तो आपने ऐसी खेल दिखाई जिसमें टेढ़ा मेढ़ापन हजारों लाखों करोड़ों हैं, टेढ़ापन। तो ये मत कहने का तात्पर्य उलझने इतनी ज्यादा है की करिया की जुआ की करिया की चुआ मुँह धने कायम भरतार, की करिया क्या करूं की चुआ क्या कहूं मुँह धने कायम भरतार, तो मुंजा धनी मेरे धनी कायम भरतार, तो अखंड उसमें आप मेरे स्वामी हैं और शाश्वत हैं, मैं आप क्या बोलूं। जे अपार वरा का तो ही जा मुँह ही कड़ी गांठ न छूटे, जे का तत्पर जो अपार वरा का, जो इधर वर था ना, तो वो मूल वरा का शब्द से, तो आपका जो आपकी उलझने आपके आपने खेल देखा है, इस खेल में इतने उलझने हैं, मुँह हिकड़ी गांठ न छूटे, तो मुझसे तो हिकड़ी गांठ एक भी गांठ नहीं छूटती है, जैसे कुछ चीज कोई गुत्थी उलझी हुई हो तो उसमें से एक एक करके छुटाना पड़ता है, कई गांठें बन चुकी होती हैं, तो मुझसे तो एक भी गांठ खुलने वाली नहीं है। लखे भते नारियां तोरे जुड़ी कान जुड़े, लखे भते नारियां, लखे भते लाखों प्रकार से नारियां देखा, मैंने लाखों प्रकार से देखा, तोरे आपके बिना जोड़ी कान जुड़े, तो आपके तोरे जोड़ी कान न जुड़े, कि आपके जुड़े बिना, ये मतलब तोरे आपके बिना और जोड़ी कान न जुड़े का तात्पर्य यह है कि आपके जुड़े बिना कुछ जुड़ता नहीं है, तो आपके किए बिना कुछ भी होता नहीं है, जो कुछ होगा वो आपके करने से ही होगा, कोई भी जुगाड़ होगा वो आपके बिना नहीं हो पाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। जे वरा का लाइए ता आओ बैठी सतरे कदम, तो जे यदि इस अर्थ में अथवा जो वरा का, तो जो वड़ाक टेढ़ापन उलझने लाइए उतार देते हैं, इन उलझनों को आप हटा देते हैं, तो आओ बैठी स तरे कदम, तो मैं तो आपके चरणों में बैठी हुई मिलूंगी, मैं तो आपके चरणों में बैठी हूँ, इन उलझनों के कारण ही मैं स्वयं को दूर मान रही हूँ। कौन वरा को की तई ई आइए मुंजा खसम, तो जब आप ये सब हटा देते हैं तो को न वरा को की तही, कोई भी उलझने कहीं भी नहीं है, कि तही का तात्पर्य कहीं भी, कोई उलझने कहीं होती होगी नहीं। ई आइए मुंजा खसम, ई तो ई का अर्थ तो यह अथवा ऐसे, तो आइए आए हैं इस अर्थ में है, ई आइए मुंजा खसम मेरे स्वामी, तो ऐसे आप मेरे स्वामी हैं, तो आप जब इस उलझन को मिटा देते हैं तो कुछ उलझने रहेंगी नहीं, ऐसे समर्थ हैं आप, ये कहने का तात्पर्य।
चुआ रुआ के नारियां बैठो आइए मुंह बट, चुआ रुआ के नारियां। चुआ मतलब कहूँ रुआ के रो करके अथवा नारियां देख करके, तो मैं रो करके कुछ कहूँ या देखूँ, बैठो आइए मुंह बट, बैठो आइए, बैठे हैं मुंह बट मेरे निकट, आप तो मेरे पास में ही बैठे हैं, मैं रोऊं धोऊं जो भी करूं किंतु आप तो हैं मेरे पास में ही। लाइए दम में तू ही धनी, आंखें करने जा पट। अब ये पट इसके लिए कह रहे हैं, आंख आंखें करने जा, आंख आंखें जा करने जा, इस अर्थ में है आंख का और कान का, आंख और कान के पर्दे, पट पर्दे को। तो ये पर्दा करने से जो आंख में पर्दे ये नहीं है आवरण, तो इसको लइए दम में तू ही धनी। लइए उतारते हैं, दूर करते हैं दम में, क्षण मात्र में तू ही धनी, आप ही है धनी, आप ही क्षण मात्र में उतार सकते हैं हमारे आंखों और कानों की पट्टी को। हमारे आंखों में कानों में जो पट्टी बंधी है उसको तो आप ही दूर कर सकते हैं, आप तो क्षण में दूर कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सो वरा के ही कड़ी गालई आइए, सो वरा के ही कड़ी गालई आइए, तो वो सौ सैकड़ों उलझने की एक ही बात है, हिकड़ी हिकड़ी एक ही गाल ही आई है, गाल ये है, तो सैकड़ों उलझनों की सौ बात की एक बात है, ऐसे ना सैकड़ों उलझनों का सार यही है कि मुहल्ले न तिर जेतरो, हे पण चुआथी तो ईजे चाहिए, मुहल्ले न तिर जेतरो, तो मुहल्ले मेरा चलता है न तिर जेतरो, मेरा तिल जितना भी नहीं चलता है, कहने का तात्पर्य मेरा तो यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। हे पण चुआथी तो ईजे चाहिए, तो ये भी चुआथी कहती हूँ तो ईजे चाहिए आपके कहलाने से, इतना भी मैं कह रही हूँ आपके कहलाने से, तू बंधे तू छुड़ाइए तित भी काये न गाल, आप बांधने वाले भी आप ही हैं और तू छुड़ाइए छुड़ाने वाले भी आप ही हैं, तित वहाँ पर भी दूसरे काये कोई ना गाल, कोई दूसरी बात है नहीं, बांधने वाले भी आप हैं और छुड़ाने वाले भी आप हैं, बंधन में डालने वाले बांधने का तात्पर्य। जी फिराइए ती फिरे कौल फैल जे हाल, हमारे कौल फैल और हाल मन वचन और कर्म, इसको आप जिधर मुड़ते हैं उधर ही मुड़ने वाले हैं, आप जिधर डालेंगे उधर ही जाएंगे, जिधर मुड़ेंगे उधर ही मुड़ेंगे। हाणे मोहथी मगा मूधनी मुंजा सुण ज सब सवाल, हाणे अब मोहथी मंगा मुँह से मांगती हूँ मूधनी ए मेरे धनी, मुंजा सुण ज सब सवाल, मेरे सवाल का तात्पर्य सवाल प्रश्न, मेरे सभी प्रश्नों को आप सुन लीजिए। महामत चोए मुँह लाड़जा धनी पार तू नूर जमाल, महामत चोए महामति कहते हैं मुँह लाड़रा मेरे लाड़ को, धनी हे धनी तू पार आप दूर आप पूर्ण करें, नूर जमाल तो ये उसमें धाम धनी के लिए ही कहा है, मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे लाड़ को आप ही पूर्ण कीजिए, तो इस प्रकार प्रार्थना की है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, धनी पार तूनो रजमाल, हाणे मोहथी मंगा मूधणी मुंजा सुण ज सब सवाल, महामत चोए मूलाड़ा
धनी पार तूनो रजमाल, धनी पार तूनो रजमाल।